ओके हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारे एनवायरमेंटल टैक्सोलॉजी की यूनिट पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आगे कॉन्टिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, पीएच की इस यूनिट के अंदर अभी तक फिलहाल हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर कवर किया है। होप आपने लास्ट का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, और वो देखना जरूरी भी है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके सिलेबस में पीएच के अंदर तीन टॉपिक दिए हुए हैं। पहले इनके सोर्स के बारे में बताओ, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, और इनको एज अ पॉल्यूटेंट बताओ। तो आप इनके सोर्स को, स्ट्रक्चर को एज अ पॉल्यूटेंट तब बता पाएंगे जब आपको पीएच की नॉलेज होगी। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ नहीं किया है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपली ये समझा है कि पीएएच यानी कि पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बाय डेफिनेशन समझा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक समझे और इनकी एग्जांपल समझे। तो होप आपने फर्स्ट लेक्चर कवर किया है, तब जाके आप हमारे सेकंड लेक्चर पे आए हैं। अब अगर सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे तो सेकंड लेक्चर पे हमने आज क्या बात करनी है, देखो तीन टॉपिक क्वेश्चन पे बनते हैं, सोर्स, स्ट्रक्चर एंड पॉल्यूटेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सेकेंड लेक्चर का, वो रहेगा सोर्स, यानी कि आज हमने समझना है कि हमारे नेचर में ये जो पीएएच है इनके सोर्स क्या है, कहाँ से ये पीएएच हमको ऑब्टेन हो रहा है। और मैंने जैसे लास्ट लेक्चर पे भी बताया था, हम इनके सोर्स को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों हमको पता करना है कि पीएएच के सोर्स क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो पीएएच है ये काफी हार्मफुल है या फिर हजार्डियस है हमारे एनवायरमेंट के लिए और साथ ही साथ हमारे लिए। इनकी वजह से काफी हेल्थ प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह होता है, जिस वजह से पीएएच को हम आज पढ़ रहे हैं, इसके सोर्स को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो आज हमने बात करना है कि पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सोर्स क्या है। ओके, तो सिंपल सा लेक्चर रहने वाला है, बहुत आसान सा है, तो थ्योरी के साथ मैं आपको लेके चल रही हूँ। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट आपने जो पीएच के अंदर लिखना है, इनके सोर्स के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये बोल रहा है पीएच यानी कि पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, क्यों, क्योंकि पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कैसी स्पीसीज होती है, ऑर्गेनिक। तो हमने बोला पीएच एक टाइप की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दैट फॉर्म फ्रॉम द वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक रिएक्शन, यानी कि ये बोल रहा है जो कि कहां से ऑब्टेन होता है, कहां से फॉर्म होता है, ये बोल रहा है वैरायटी ऑफ नेचुरल यानी कि जो नेचर में रिएक्शन हो रही है उनको नेचुरल बोलेंगे, और एंथ्रोपोजेनिक रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शन जो मैन मेड करा रहा है, हम लोग हमारी डेली लाइफ में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिएक्शंस देख रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उनकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो सारी रिएक्शंस कैसी हैं, एंथ्रोपोजेनिक रिएक्शन है। तो ये बोल रहा है आपका पीएच हमारे और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि कहां से फॉर्म होता है, हमारे नेचर में जो रिएक्शंस हैं उनसे थ्रू फॉर्म होता है, और ह्यूमन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी डेली बेसिस पे जो रिएक्शन कॉज करता है, जैसे हम लोग कोल जलाते हैं, जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो ये जो प्रोसेसेस हम लोग हमारी डेली लाइफ में कर रहे हैं, इन्हीं प्रोसेसेस से हमारा क्या निकल रहा है, पीएएच निकल रहा है। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट आपको इतना ही बोल रहा है, और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पहले डायरेक्टली फ्लो चार्ट के साथ लेके चलती हूँ। बहुत आसान सा है, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ पीएच यानी कि पीएच के हमारे पास सोर्सेस क्या हैं। तो हम बताएंगे दो मेजर सोर्स हमारे पास हैं, पहला है हमारे पास नेचुरल सोर्स, दूसरा है हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। नेचुरल सोर्स के अंदर सारी नेचुरल रिएक्शंस आएंगी जिनके थ्रू हमको एज अ रिजल्ट या फिर एज अ प्रोडक्ट पीएच ऑब्टेन होता है, और एंथ्रोपोजेनिक के अंदर वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका फॉर्मेशन करती है, पीएच का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो नेचुरल के अंदर अगर हम पर्टिकुलरली जाएं तो क्या क्या लिखा हुआ, ये बोल रहा है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम नेचुरल है, तो हम बोल सकते हैं नेचर में जो हमको पेट्रोलियम मिल रहा है इससे भी हमारा क्या ऑब्टेन होता है, हमारा पीएच यानी कि पॉली एटॉमिक या फिर पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है। सेकंड लिखा है वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शन से भी पीएच ऑब्टेन होता है। रेयर मेटल हो गए, मेटल मिनरल्स हो गए, आपके फॉरेस्ट फायर हो गई, प्लांट टर्पीन हो गया, आपका फोटोसिंथेसिस, तो ये सारी के सारी प्रोसेसेस को आप लिखिएगा और बताइएगा, ये सारी प्रोसेसेस हमारी नेचुरल हैं और इन सारी प्रोसेसेस के थ्रू क्या है, एज अ रिजल्ट या फिर एज अ प्रोडक्ट हमको पीएच ऑब्टेन होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, नेचुरल सोर्स ऑफ पीएच हो गए। ओके, अब एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो इसमें सबसे पहला इंक्लूड होता है हमारा एग्रीकल्चर सोर्स, यानी कि जो हमारा, हम लोग क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पे हमारे सोर्सेज है, यानी कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, हमारी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सोर्सेज क्या है, जैसे हम लोग क्या है, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो ये जो सारे केमिकल्स हैं ये भी क्या है, किसका फॉर्मेशन करते हैं, इन्हीं से हमारे पीएएच फॉर्म होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सोर्स भी हमारा क्या है, एक सोर्स ऑफ पीएएच है। ओके, और दूसरा लिखा है डोमेस्टिक सोर्स, यानी कि जो हम लोग घर पे हमारी जो एक्टिविटीज होती है उनसे भी हमारा क्या है, पीएच का ऑब्टेन होता है, पीएच का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बर्निंग कोल, ठीक है, जो कोल की बर्निंग करता है,
ऑयल गैस गार्बेज हो गया, सिगार हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है आपकी ह्यूमंस के थ्रू यूज होने वाली एक्टिविटीज है। और इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू भी क्या, जैसे सिगरेट को लोग यूज करते हैं ना, इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू भी क्या है हमारे पीएच यानी कि पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑप्टेन होते हैं। ओके, अगला है इंडस्ट्रियल सोर्स यानी कि इंडस्ट्री की वजह से भी, इंडस्ट्री में जो एक्टिविटीज हो रही है वहां भी क्या होता है हमारे पीएच का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ये बोल रहा है सीवेज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, तो इंडस्ट्री के थ्रू क्या होता है जो सीवेज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है उन ऑर्गेनिक वेस्टेज में भी क्या होता है हमारे पीएच होते हैं। तो हमारे पास क्या है ये वेरियस मेथड बोल सकते हो, वेरियस सोर्स है जहां से हमको क्या है पीएच ऑप्टेन होता है। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपने सोर्स ऑफ पीएच को ऐड करना है। अब देखो इसके बाद वापस से हम थ्योरी के पॉइंट्स पर चलते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट तो आप समझ ही गए हैं कि पीएच जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो हमारे नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रिएक्शन से ऑप्टेन होता है। उसके बाद थ्योरी पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ये बोल रहा है नेचुरल पीएच फॉर्म फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन। तो बोल, अगर आप नेचुरली पीएच कहां से ऑब्टेन होता है इसको देखना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नेचर में जो प्रोसेसेस हो रही है, जैसे हमने नीचे बात की फॉरेस्ट फायर हो रही है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इन प्रोसेसेस से भी हमको ऑब्टेन होता है। ओके, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द कंपाउंड आर न्यूमेरस इन अ फॉसिल फ्यूल सच एज अ कोल एंड पेट्रोलियम। और ये बोल रहा है ये जो आपका पीएच ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारा कहां प्रेजेंट होता है फॉसिल फ्यूल में, जैसे एग्जांपल के लिए कोल एंड पेट्रोलियम। और ये तो हमको नोन ही है ना कि जो कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। तो यही चीज बोल रहा है कि हमारे फॉसिल फ्यूल जैसे कोल एंड पेट्रोलियम इनमें भी क्या होता है हमारे पीएच प्रेजेंट होते हैं यानी कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इन कोल एंड पेट्रोलियम को जब हम बर्न करते हैं तो ये तो ऐसे एक नेचुरल सोर्स हो गए कि यहां हमारे पीएच प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इसे बर्न करते हैं तो यहां से भी हमको क्या मिलते हैं हमारे पीएच मिलते हैं। ओके, अब अगर हम लोग, ये तो नेचुरल के दो पॉइंट हुए, अगर हम लोग मैनमेड एक्टिविटी यानी कि एंथ्रोपोजेनिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है मैट्रिब्यूट पीएच बाय बर्निंग फोर्स एंड बाय द इनकंप्लीट कंबशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल। तो ये बोल रहा है अगर आप ह्यूमन की एक्टिविटी के थ्रू देखना चाहेंगे कि पीएच कहां से ऑब्टेन होता है तो यहां लिखा हुआ है कि ह्यूमन जब लकड़ी को जलाता है बर्निंग वुड होता है, जब इनकंप्लीट कंबशन करता है फॉसिल फ्यूल का, तो इन दोनों ही पॉइंट पे क्या होता है ह्यूमंस के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीएच का भी फॉर्मेशन होता है यानी कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी यहां से ऑब्टेन होते हैं। ओके, इसके अलावा ये बोल रहा है द कंपाउंड अगर एज अ नेचुरल कंसीक्वेंट ऑफ अ कुकिंग फूड पर्टिकुलरली व्हेन द फूड इज कुक्ड एट अ हाई टेंपरेचर ग्रिल्ड एंड स्मोक। तो ये बोल रहा है नेचुरली आप ये भी देखेंगे जब हम लोग ह्यूमन क्या करते हैं खाना पकाते हैं और खाने को जब वो हाई टेंपरेचर पे पकाते हैं या फिर ग्रिल्ड करते हैं या फिर स्मोक वाली कंडीशन वहां पर लगती है तो इन तीनों कंडीशंस पे क्या है पीएच का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ चाहे नेचुरल हो चाहे आपके ह्यूमंस के थ्रू बनाई हुई एक्टिविटीज हो, इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू हमको क्या है पीएच यानी कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, अब इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द केमिकल्स आर रिलीज इन एन सिगरेट स्मोक एंड फ्रॉम द बर्निंग वेस्ट। तो ये बोल रहा है ये जो केमिकल्स हैं ये जो पीएच है और ये कहां से मिलते हैं जब आप सिगरेट को बर्न करते हैं। ओके, जब लोग सिगरेट यूज करते हैं और जो वेस्टेस को जब हम जलाते हैं तो उस टाइम पे जो स्मोक निकलता है उस स्मोक में भी क्या होता है ये पीएच यानी कि ये केमिकल प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए सोर्स ऑफ पीएच हो गए। बस इतनी सी बात आपने करनी थी। ओके, तो बस यहीं पे हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है, सोर्स को हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको इसके स्ट्रक्चर पे भी बात कराऊंगी एंड देन लास्टली इसको एज अ पॉल्यूटेंट समझेंगे और ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। ओके, तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करें, होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।